एप्रिल 8 रो राज्य रे लोकायुक्त कार्य करिवे। मार्च शेष सुधा लोकायुक्त नियुक्ति प्रक्रिया शेष हेबो। ओडिसा रे लोकायुक्त नियुक्ति प्रसंग को नै आज सुप्रीम कोर्ट रे सुनाणी होइछे। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट रे एने सत्यपाठ दाखल करिछन्ते। सुप्रीम कोर्ट प्रधान विचारपति जस्टिस रंजन गोगोई को अध्यक्षता रे गठित तीन जणिया खंडपीठ रे मामलार सुनाणी करिछन्ते। अधिक आलोचना पई हम सतो फोन लाइन ने जुड़े छन्ते हम प्रतिनिधि शबनम आदेनी। शबनम कोन अधिक सूचना रहिछि? देखो गुरुत्वपूर्ण शुणी थी लोकायुक्त नीति जोटा की चीफ जस्टिस कोर्टे पर्सनली अपीयरेंस कर मुख्य शासन सचिव सुधा लोकायुक्त नियुक्ति समस्त जो प्रक्रिया से नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त हो और एप्रिल 8 तारीख रु लोकायुक्त काम करने को आरंभ कर गत वर्ष अक्टोबर 24 तारीख रे कोर्ट जो राय देते 8 राज्य को नोटिस जारी कराइला कहुला पर्सनली चीफ सेक्रेटरी आसिक हाजर हे जो नोटिस ना से नोटिस से नोटिस पाई आज आसिक हाजर होते चीफ सेक्रेटरी से कहते जे लोकायुक्त नियुक्ति कौन कौन प्रक्रिया से किभली भाव नियुक्ति प्रक्रिया रही से विषय में सविशेष सत्यपाठ जरिए सविशेष तथ्य दाखल करते कोर्ट को जन मार्च 31 सुधा लोकायुक्त नियुक्ति समस्त प्रक्रिया शेष हम और एप्रिल 8 तारीख रु लोकायुक्त काम करने आरंभ कर। बहुत बहुत धन्यवाद शबनम आपणक समस्त सूचना पई रहिला। प्रतिनिधि शबनम आदेनी जी की सूचना देउतिले एप्रिल 8 रु राज्य रे लोकायुक्त कार्य करिवे। मार्च शेष सुधा लोकायुक्त नियुक्ति प्रक्रिया शेष हबो। ओडिसा रे लोकायुक्त नियुक्ति प्रसंग को नै सुप्रीम कोर्ट रे आज एभली शुणाणी होईछि।